बीएचयू संगीत एवं मंच कला संकाय द्वारा कार्यशाला आयोजित की गई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय संगीत एवं मंच कला संकाय के संगीत शास्त्र विभाग स्थित प्रोफेसर प्रेमलता शर्मा सभागार में 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ रामधुन से हुआ। इसके बाद पंडित मदन मोहन मालवीय और ओमकार नाथ ठाकुर के चित्र पर माल्यार्पण व संगीत और मंच कला संकाय के छात्र छात्राओं द्वारा कुलगीत की प्रस्तुति से हुआ। इसके बाद कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथि मंजू सुंदरम प्रशिक्षक गुरु के रूप में काकोली मुखर्जी उपस्थित रहीं। कार्यक्रम की अध्यक्षता संकाय प्रमुख एवं विभागाध्यक्ष प्रोफेसर शशि कुमार ने किया। कार्यक्रम का संयोजन प्रोफेसर संगीता पंडित आचार्य गायन विभाग द्वारा किया गया। अतिथियों का स्वागत माल्यार्पण अंगवस्त्रम और स्मृति चिन्ह प्रदान कर किया गया। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राओं ने भाग लिया। आपको बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि यह कार्यक्रम एक त्रिदिवसीय गायन कार्यशाला है जिसमें ठुमरी एवं सुगम संगीत और ख्याल गायन इस पर आधारित ये कार्यशाला का आयोजन विभाग ने किया है, जो फैकल्टी डेवलपमेंट फंड के सहयोग से इस आयोजन को हम लोग विद्यार्थियों के हितार्थ कर रहे हैं। ये दिनांक 11 से 13 अप्रैल तक चलेगा और इसी की द्वितीय कड़ी 26 से 28 अप्रैल तक चलेगी। तो इस प्रथम आयोजन में हमारी मुख्य अतिथि हैं परम विदुषी बनारस की जाने माने ख्यातनामा गायिका एवं गुरु विदुषी डॉक्टर मंजू सुंदरम जी। हमारे लिए प्रशिक्षु जो गुरु आई हैं वो कोलकाता से पधारी हुई विदुषी काकोली मुखर्जी हैं, जो उपशास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में एक बड़ा नाम है, और आदरणीय अप्पा जी तथा विदुषी शिप्रा बसु जी की ये स्टूडेंट रही हैं। इनके साथ इनके भाई आए हैं संजीत मुखर्जी जी, जो अतिथि कलाकार हैं तबले में। और आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे संकाय प्रमुख आदरणीय प्रोफेसर के शशि कुमार जी ने किया। और अब अनवरत जो 3 दिन का ये कार्यक्रम चलेगा उसमें विभाग के सभी संगतकर्ता बंधु और सभी सहयोगी इसमें भाग लेंगे और करीब करीब 100-125 लोगों का इसमें पंजीकरण हुआ है। इससे ये पता चलता है ठुमरी जैसे विधाओं पर या गायन के प्रति विद्यार्थियों में कितना ज़्यादा उत्साह है। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय का मंच कला संकाय जो कोई भी आयोजन करता है इस तरह से बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा लेते हैं। और मैं एक बार पुनः आप सबका धन्यवाद करती हूँ कि आपने इस जगह को चुना और इसकी वाइड पब्लिसिटी के लिए मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ, क्योंकि इस तरह के प्रचार प्रसार से बच्चों में भी उत्साह बढ़ता है और विभाग में भी कुछ करने की या कुछ आयोजन करने का एक उत्साह बनता है।